और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर यूपी के बराई से, जहां भेड़िए का आतंक जारी है। घर की छत पर सो रहे लड़के पर अटैक हुआ, लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। टिपरी मोहन गांव में भेड़िए का हमला हुआ। देखिए कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में पहुंचे थे, हवाई सर्वेक्षण किया, और इससे पहले 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। लेकिन ये जो छठा भेड़िया है, अब वो ज्यादा आदमखोर हो रहा है और लोगों पर कर रहा है हमला। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक अब भी जारी है। घर की छत पर सो रहे लड़के पर अटैक कर दिया इस भेड़िए ने। लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लड़के को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बहराइच इलाके से बड़ी खबर है, भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। एक बार फिर से भेड़िए ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की। गनीमत रही कि जिंदगी बच गई है, लेकिन अभी अस्पताल में है लड़का जिस पर अटैक हुआ। इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर की छत पर सो रहा था लड़का और भेड़िए ने उसी दौरान में हमला किया, और अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है भेड़िए के इसी आतंक के कारण। और खबर यह है कि बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए ने हमला किया है। लड़का छत पर सो रहा था, उसी दौरान में उस लड़के के ऊपर भेड़िए ने हमला किया। और बात अब अमेरिका की करेंगे, जहां फ्लोरिडा में ट्रंप गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी की खबर है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित मौके से बरामद हुई AK-47। घटना पर कमला हैरिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, ये स्टेटमेंट कमला हैरिस का। गोल्फ कोर्स के बाहर गोलीबारी पर ट्रंप का स्टेटमेंट, मैं सुरक्षित और स्वस्थ, कोई भी मुझे डिगा नहीं सकता, ये स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बड़ी जानकारी, जहां अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास गोली चलने की खबर है। उनके कैंपेन और सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं, और FBI का कहना है कि ये घटना ट्रंप पर जानलेवा हमले जैसी लग रही है। जब ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, तब सीक्रेट सर्विस ने एक शख्स को AK-47 राइफल से गोल्फ क्लब की तरफ जाते देखा, निशाना लगाते देखा, और इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने उस शख्स पर फायरिंग की। हालांकि वह अपनी बंदूक वहीं छोड़कर फरार हो चुका है, और उसके पास ही काउंटी में हिरासत में उसे ले लिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और अगर बात घटना की करें तो देखिए घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार रात 11:30 बजे की है, और अमेरिका में दोपहर उस समय 2 बज रहे थे। गोलीबारी होने के तुरंत बाद गोल्फ कोर्स को लॉक कर दिया गया। करीब 2 महीने पहले अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक रैली के दौरान आपको याद होगा कि ट्रंप पर अटैक हुआ था। और बात गुजरात की करेंगे, गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात वासियों को देते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, गुजरात को पीएम की बड़ी सौगात, और ऐसे में 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। तो गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, और देखिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को इस दौरान प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। कल भी आपको याद होगा जब झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री थे, तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, और एक बड़ी सौगात थी झारखंड वासियों के लिए। और ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान कहा गया था कि झारखंड में जो लोग हैं, झारखंड वासियों का विकास करना है, आदिवासियों के उत्थान के लगातार काम करना है, गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम करना है। और अब गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर 6 वंदे भारत ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाएंगे, और जाहिर सी बात है वंदे भारत ट्रेन चलने से वो तमाम यात्री, उनको सुविधा होगी, समय कम लगेगा, पैसे की भी बचत होगी, और जाहिर सी बात है क्योंकि जो सफ़र है वो सुगम होगा, सरल होगा, आसान होगा। और सबसे ज़्यादा आप देखिए, क्योंकि रेल से हिंदुस्तान में लोग यात्रा करते हैं, तो उनके लिए बड़ी सौगात है। जहाँ जाने में भी बहुत ज़्यादा घंटे लगते हैं, 12-12, 13-13 घंटे लगते हैं, वहाँ पर अब कम घंटे में ये सफ़र, या उससे आधे कम घंटे में ये सफ़र पूरा हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम यहां नजर आए। दरअसल कल झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री रहे, यहां पर उन्होंने कई बड़ी सौगात भी दी, साथ साथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। झारखंड के दुश्मनों को जल्द पहचाने पीएम मंच से कहते हुए नजर आए। 3 दुश्मन, JMM, RJD और कांग्रेस, तीनों को ही घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नजर आए। सुनवाते हैं आपको। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार,
जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपये के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे? टीवी में महीनों तक वो नोटों के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है। कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। आप उस तपती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आए थे। दुनिया ने देखा, एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन, पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें। लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा सौभाग्य है आज देश के दलित, वंचित, गरीब, आदिवासी और महिलाओं का आशीर्वाद मुझ पर है, देश को मोदी पर भरोसा है। आज युवाओं का भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर है। और इस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। तो घुसपैठ को झारखंड के लिए एक बड़ा विषय बताया गया, बड़ी चिंता का विषय बताया गया। बांग्लादेशी रोहिंग्या बड़ा खतरा है, आदिवासियों की आबादी कम हो रही है, जेएमएम के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं और जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये तमाम हमले किए जमशेदपुर में, जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया और हर अखबार की लगभग फ्रंट पेज पर ये पहली खबर है जिसमें जिक्र है पीएम मोदी ने किस तरीके से हमला बोला। पीएम मोदी ने रविवार को झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो गठबंधन है उस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश से आने वाले घुसपैठिया झारखंड के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं क्योंकि उनकी वजह से राज्य के संथाल, परगना और कोल्हन क्षेत्रों की जो जनसांख्यिकी है वो बदल रही है। पीएम मोदी ने यहाँ पर गोपाल मैदान में भाजपा की परिवर्तन महारैली को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो है वो संथाल, परगना और कोल्हान क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और तेजी से यहाँ पर आदिवासी आबादी घट रही है। घुसपैठिए पंचायत प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, जमीनों को हड़प रहे हैं और हर झारखंडवासी असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि यहाँ पर घुसपैठियों का समर्थन जेएमएम करती है
और 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी इस दौरान में पीएम मोदी ने की। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस विषय पर जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जब झारखंड में अब चुनाव होने हैं तो झारखंड में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि आदिवासियों को उन्हीं के क्षेत्र से निकाला जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार घुसपैठी है जिनको साथ मिल रहा है वहां की जेएमएम सरकार का। तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बड़ी सौगात झारखंड वासियों को दी और इसी के साथ साथ ओडिशा वासियों को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने दो वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। ओडिशा को मिली दो वंदे भारत ट्रेन की सौगात और पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था। सीएम मोहन मांझी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जहां ओडिशा वासियों को दो वंदे भारत की सौगात मिली है। आपको याद होगा कि रांची से पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़े और उसके बाद बड़ी सौगात देते हुए नजर आए। देखिए भारी बारिश के कारण पीएम टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन ये तस्वीर आपको बीते दिन के दिखा रहे। बड़ी सौगात ओडिशा वासियों को भी मिली है, दो वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है और देखिए इस कार्यक्रम में खुद जो मोहन मांझी है सीएम वो जुड़ते नजर आए और मौजूद रहे। बच्चों के साथ सफर करने के दौरान देखिए बातचीत उन्होंने किया, बच्चे ने भी जो वहां पर मौजूद थे कितने खुश नजर आ रहे हैं और फिर बातचीत करने के साथ साथ यहां पर बातचीत हुई। तो ओडिशा से मोहन मांझी का गंजाम दौरा, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन इस दौरान और समारोह में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और सीएम मोहन मांझी ने ट्रेन में यात्रा भी की जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे। तो ओडिशा वासियों को भी दो वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली और इस बीच आपने तस्वीर देखी कि सफर करते हुए बच्चों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। 20 सितंबर को झारखंड दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी की संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत पहाड़िया समाज के साथ। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह संवाद भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 सितंबर को झारखंड दौरे पर अमित शाह रहेंगे और आप देखिए गृह मंत्री क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, खासतौर पर वो राज्य जहां पर इलेक्शन होने हैं और झारखंड भी उस लिस्ट में शुमार है क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव आने वाले वक्त में होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो दिग्गज हैं, वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं। जो झारखंड के प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए या फिर सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा, वो लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ वहां पर जाकर बैठक करते हैं, जमीनी हालात कैसे हैं इसको लेकर चर्चा करते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री भी कल झारखंड दौरे पर रहे, 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाई गई। इस दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम ने किया और साथ ही साथ अब गृह मंत्री अमित शाह भी 20 सितंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। दिल्ली स्थित अमित शाह के आवास पर ये मुलाकात हुई है और ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं जब यहाँ पर सीएम पहुंचे और उन्होंने यहाँ गृह मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात कई मायनों में खास रही, हालांकि ये दिल्ली स्थित गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ही मुलाकात हुई है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और ये इस मुलाकात को लेकर जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर उन्होंने राजस्थान से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। कई ऐसे मुद्दे यहाँ पर रहे जिनको लेकर यहाँ उन्होंने गृह मंत्री से बातचीत की। और इस बीच बहराइच दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, भेड़िए से प्रभावित जो इलाके थे वहाँ का हवाई सर्वेक्षण उनसे किया गया और जो पीड़ित परिवार से उनसे मुलाकात करते भी नजर आए। तो वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खासतौर पर दो तस्वीरें आपके सामने होंगी जिनमें पहली तस्वीर तब की है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बहराइच में भेड़िया का आतंक पसरा और उससे जो लोग परेशान हुए या जिन लोगों ने अपनों की जान गंवाई उन पीड़ित परिवारों से पीएम मोदी ने मुलाकात की, छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम मोदी की वो तस्वीरें भी साथ ही साथ आप देख रहे हैं जब उन्होंने बहराइच में हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान में पीएम मोदी ने कहा कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर का दायरा है जिसमें ये भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। हालांकि देखिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी ये जो छठा भेड़िया है वो अब भी पकड़ से दूर है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। जब वो गोरखपुर के दौरे पर थे
तो गोरखपुर का ये दौरा गोरखनाथ मंदिर में सप्त दिवसीय पुण्यतिथि समारोह में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान उनका स्टेटमेंट जीव और जीने दो यही सच्चा लोकतंत्र है और भारत ने ये मंत्र दिया है। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ, आपने तस्वीर देखी थी, गोरखपुर के दौरे पर थे, कई कार्यक्रम में शामिल हुए और इस बीच देखिए उनकी तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। गोरखनाथ मंदिर में सप्त दिवसीय पुण्यतिथि समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा जियो और जीने दो यही सच्चा लोकतंत्र है, भारत ने ये मंत्र दिया है। तो आपने तस्वीर देखी थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, उस दौरान सुबह सुबह उन्होंने जनता दर्शन भी किया था और फिर तमाम जो फरियादी थे पहुंचे, उनकी समस्या सुनते नजर आए, एप्लीकेशन रीड किया और उसके बाद अधिकारियों को भी दिशा निर्देश उनके तरफ से दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की उच्च स्तरीय बैठक, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी इस दौरान सीएम ने की। आगामी त्योहारों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो देखिए सीएम योगी की तरफ से आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, खासतौर पर अब क्योंकि बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो आने हैं, गणेश चतुर्थी के बाद शुरू हो जाता है हिंदू जो त्यौहार, एक के बाद एक त्यौहार आते हैं और ऐसे में सभी त्यौहारों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और साथ ही साथ किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान दिया जाए। सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को ये क्लियर निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश के दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय उज्जैन गेस्ट हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उस दौरान की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यहाँ पर मोहन यादव के पिता को श्रद्धांजलि देते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सीएम साय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता को, उनकी तस्वीर ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर उन्होंने यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दरअसल कल मध्य प्रदेश पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और साथ साथ मोहन यादव के पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और देखिए अगर अखबारों की बात करते हैं तो आज हर अखबार में दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का जिक्र है और इस्तीफे के साथ ही आकलन भी है हर अखबार का अपना अपना कि क्यों इस्तीफा दिया, इससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होने वाला है या फिर क्या स्ट्रैटेजी रही जो इस स्ट्रैटेजी के तहत में अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया। तो देखिए आम आदमी पार्टी का ये पूरा का पूरा जो गेम प्लान रहा इसको लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर रही और बीजेपी की ओर से कहा गया कि ये एक प्लानिंग के तहत में है और अलग अलग रिएक्शन सामने। जैसे देखिए अगर बात की जाए प्रवक्ताओं की तो वो कहते हैं पहले से लिखी पटकथा के मुताबिक काम कर रहे हैं, मैं ईमानदार हूँ, मुझे वोट दें, यह हास्यास्पद दावा है। यहाँ तक कि आप ये तक कहा गया कि आप दो दिन का वक्त क्यों ले रहे हैं, अगर आपको इस्तीफा ही देना था तो दो दिन का वक्त लेकर आप आखिर कौन से काम निपटा लेना चाहते हैं। तो दो दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, अचानक से अरविंद केजरीवाल आते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि देखिए अभी राहत उनको मिली और राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल एकाएक लोगों के बीच पहुंचते हैं और ये ऐलान कर देते हैं कि दो दिन में इस्तीफा दे दूंगा। जरा सुनिए। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। तो आपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुना, इस्तीफे के ऐलान के बाद सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट बीजेपी की तरफ से कहा गया है। केजरीवाल की छवि भ्रष्ट नेता की है और देखिए तमाम अखबारों में भी इसका जिक्र है। फ्रंट पेज पर यह खबर है केजरीवाल भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं और इस्तीफे की घोषणा के अपराध की स्वीकारोक्ति उन्होंने मान लिया है कि उन पर लगे आरोप ऐसे हैं कि वो सीएम नहीं बन सकते हैं। ये बीजेपी की तरफ से दिया गया। तो देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है और केजरीवाल की जो छवि है वो भ्रष्ट नेता की है। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे
इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक सिसक के रोएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली में गड्ढे गड्ढे हो जाएं। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। राजनीतिक पैतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में जब वो लगातार जेल में थे तभी दे देना चाहिए था, लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। जो उनको बेल भी मिली है वो केस के आधार पर, उसके मेरिट्स पर नहीं मिली है। उनको बेल पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत मिली है, यानी कि ट्रायल अभी होना है। उनका जो गुनाह है या जो भी इल्ज़ाम है वो अभी प्रूफ जल्दी ही होंगे, और वो जानते हैं कि बुरी तरह वो फंस गए हैं और ज्यादा देर तक खैर नहीं मना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र होने की जरूरत है, तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश थी, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दी है। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी जो व्यक्ति हैं उनको समझिए। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो IRS की नौकरी में इनकम टैक्स कमिश्नर बने, एक ऐसी नौकरी जहां पर एक बार परिवार में कोई इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए 7 पुश्तों के लिए भ्रष्टाचार का पैसा कमा लेता है, ऐसी नौकरी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की झुग्गियों में काम करने गए।